हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम पीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम आपको समझाएंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि फ्रेजल वर्ब है क्या, क्योंकि इनका प्रयोग कंपटीशन में बहुत होता है और स्पीकिंग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि फ्रेजल वर्ब क्या चीज़ है। कुछ ऐसी क्रियाएँ वे जिनके साथ प्रीपोजिशन तथा एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है और वे भिन्न भिन्न अर्थ देती हैं, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी द वर्ब विद विच प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब आर यूज्ड एंड दे मेक द डिफरेंसेस दैट इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कि हमारा है गो। गो मीन्स होता है जाना। गो के साथ अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो उनका सेंस और चेंज होता जाएगा। जैसे गो मीन्स जाना हो गया। गो ऑन होता है जारी रखना। गो आउट होता है बुझाना। गो अप होता है चढ़ना। गो अवॉर्ड होता है विदेश जाना। गो थ्रू होता है सहन करना। तो इस तरह से गो के साथ हमने ये भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगाई और इनका अपना अर्थ जो कि हमारा अलग अलग हो जाता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, पहला हमारा है एक्ट ऑन। तो एक्ट ऑन का जो मीन्स है वो है टू इफेक्ट किसी चीज़ को प्रभावित करना, प्रभाव डालना। तो इसका यूज होगा, जैसे देखिए, दिस मेडिसन विल एक्ट ऑन द हार्ट। यानी है मेडिसन, यानी है दवा दिल पर प्रभाव डालेगी। दूसरा हमारा एक्ट अपॉन, ये होता है टू डू एक्ट अकॉर्डिंग्स, यानी किसी के अनुसार कार्य करना, किसी के सुझाव पर चलना। तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज एक्ट अपॉन देयर टीचर्स, यानी अच्छे विद्यार्थी हमेशा अपने शिक्षकों के सलाह पर कार्य करते हैं या उनके अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्ट फॉर, इसका मतलब होता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर कार्य करना। फिर द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट फॉर द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की जगह पर काम करते हैं जब वह अनुपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बियर। अब देखिए, बियर के साथ हम डिफरेंट प्रीपोजिशन लगाएंगे। पहला हमारा है बियर ऑफ। बियर ऑफ का मतलब बिन, जीतना। जैसे ही बोर ऑफ द फर्स्ट प्राइज, यानी उसने प्रथम इनाम प्राप्त किया। बोर ऑफ बियर की सेकेंड फॉर्म हमारी। दूसरा है बियर अवे, यानी इसका मतलब टू बिन होता है जीतना। जैसे ही विल बियर अवे द प्राइज, यानी वह इनाम जीतेगा। तो बियर ऑफ और बियर अवे दोनों का मतलब होता है जीतना। नेक्स्ट हमारा बियर डाउन, इसको होता है टू डिफीट, हरा देना या दबा देना। तो देखिए, इसका यूज है इन असेंबली द न्यू चीफ मिनिस्टर बोर डाउन ऑल अपोजिशंस, यानी असम विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जितने भी अपोजिशन पार्टी के थे उन सबको दबा दिया। बियर इन माइंड, बियर इन माइंड इसको होता है कीप इन माइंड, यानी ध्यान रखना। जैसे वी शुड बियर इन माइंड द एडवाइस ऑफ आवर टीचर्स, यानी हमें अपने अध्यापकों की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए। अब बियर आउट, बियर आउट होता है टू कन्फर्म, पुष्टि करना। तो इसका यूज है, देखिए, इफ़ द एविडेंस बियर आउट द क्रिमिनल विल बी सेंट टू प्रिजन, यानी यदि गवाह ने या गवाही ने सही काम किया या चार्ज सही साबित हुए तो उसको क्रिमिनल को जेल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बियर अप, सहन करना, टॉलरेट। तो इसका है आई कैन नॉट बियर आवर यू एनी मोर, तो आई कैन नॉट बियर अप यू एनी मोर, यानी मैं अब आपको ज़्यादा सहन नहीं करूँगा। नेक्स्ट हमारा एक और है द पेरेंट्स बोर अप द डेथ ऑफ हिज, यानी कि माता पिता ने अपने नौजवान बेटे की मृत्यु को सहन किया। बियर विद इसका होता है इसे भी टू टॉयलेट सहन करना है, ये भी है। वी कैन नॉट बियर विद दिस रूल,
यानी हम इस नियम को सहन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बियर अपॉन, ये होता है टू बी रेलेवेंट यानी सुसंगत, प्रासंगिक यानी किसी के अनुसार सही साबित होना। तो जैसे कि हमारा यूजेस का है द स्पीच मेड बाय द प्रेसिडेंट बोर अपॉन द चूजन सब्जेक्ट, यानी जो स्पीच राष्ट्रपति ने दी थी यानी अध्यक्ष महोदय ने दी थी वह बिल्कुल प्रासंगिक सिद्ध हुई। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रेक। अब ब्रेक के साथ हम डिफरेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए हमारा पहला है ब्रेक डाउन। ब्रेक का वैसे मतलब होता है तोड़ना, और ब्रेक अगर डाउन लगा दिया तो होता है हमारा ख़राब होना, जैसे किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना, जैसे गो टू रॉन्ग। गो टू रॉन्ग मीन्स ख़राब हो जाना। जैसे द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी बस रास्ते में ख़राब हो गई। या ये भी कह सकते हैं कि मेरा टीवी ख़राब हो गया, तो माय टीवी ब्रोक डाउन। या अचानक हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, तो माय फ्रिज सडनली ब्रोक डाउन। अब हमारा है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू होता है, इट मीन्स है हमारा है टू एंटर बाई फोर्स, यानी कि बलपूर्वक अंदर घुसना। या इसको जैसे कह सकते हैं कि हिंदी में होता है सेंध लगाना, मकूल लगाना, नकाब लगाना, या मतलब सुरंग बना करके चोरी करना। या फिर दीवार को हम तोड़ेंगे नहीं बल्कि अंदर से बाहर से सुरंग बनाएंगे और घर के अंदर प्रवेश करेंगे और उसका चोरी कर लिया जाएगा। जैसे कि द थीव्स ब्रोक इन टू द हाउस, यानी चोर ने घर में नकाब लगा दी या सेंध लगा दी, चोरी मतलब सुरंग बना के की उन्होंने। अब आ जाए ओपन, ब्रेक ओपन टू है, ये भी इसका है टू ओपन बाई फोर्स, यानी कि बलपूर्वक खोलना। जैसे द रोवर ब्रोक ओपन द विंडो एंड एंटर द हाउस, यानी कि चोरों ने या डाकुओं ने खिड़की को बलपूर्वक खोला और अंदर प्रवेश किया। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक आउट, इसका मतलब फैलना, स्प्रेड डिजीज़ या फायर, यानी आग का फैलना या बीमारी का फैलना। जैसे हमारा है द कोरोना पेंडेमिक ब्रोक आउट इन द होल वर्ल्ड, यानी कोरोना महामारी पूरे संसार में फैल गई। या द फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट, या आग जंगल में फैल गई। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है टू स्टॉप सडनली या टू एंड सडनली, यानी अचानक ख़त्म हो जाना। जैसे द टॉक्स ऑफ कंप्रोमाइज़ ब्रोक ऑफ, यानी जो कि कंप्रोमाइज़ की जो बातें थीं वो अचानक बंद हो गई, समाप्त हो गई। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यानी वो अपने भाषण के बीच में अचानक रुका। हमारा है ब्रेक अप टू एंड, समाप्त करना। जैसे कि द मीटिंग ब्रोक अप विदाउट एनी डिसीजन, यानी कि मीटिंग बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। या देख सकते हैं राम ब्रोक अप हिज रिलेशन विद राधा, या राम ने अपने रिलेशन राधा से ब्रोकअप कर लिए, तोड़ दिए। अब हमारा है ब्रेक विद, इसका मतलब टू क्वारल, लड़ाई करना। इसका यूज होगा शी इज ब्रेकिंग विद हर नेबर, यानी वह अपने पड़ोसी से लड़ रही है। या ही इज ब्रेकिंग हिज फादर, यानी वह अपने पिता से लड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे होता है टू फ्री वन सेल्फ, यानी अपने आप को आज़ाद करना। जैसे द चाइल्ड ब्रोक अवे फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन, यानी बच्चे ने अपने आप को सभी अनुशासन से आज़ाद कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा है ब्रेक अपॉन। ब्रेक अपॉन होता है टू इंटरप्ट, किसी को रुकावट पैदा करना सडनली अचानक। जैसे देखिए इसका यूज होगा द पुलिस ब्रोक इन अपॉन द डेकॉयट्स व्हेन दे वर
डिवाइडिंग देयर बूटी। बूटी बूटी होता है चोरी का माल। तो ये हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब हैं। आगे और हम इसकी सीरीज बनाते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।